हेलो दोस्तों, रूपल स्टार फार्म यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। देख रहे हो फार्म में बतख के लिए हमने जो कुंडी छोड़ रखी है, नहाने के लिए पानी भरा हुआ है। गर्मी में मौसम में बतख कितने मनोरंजन करते हैं आप देख रहे हो। ये अभी नहाने के लिए अंदर है, तैरते भी कितना आसान तरीके से देख सकते हो। इसके अंदर दो मेल है और तीन फीमेल है, अब देख रहे हो। टोटल हमारे पास चार फीमेल है और दो मेल है। दूसरी एक जो फीमेल है वो अभी इसने अंडे रखे है, अंडे पर बैठी है वो। कुदरत की क्या करामत है आप देख सकते हो, कुदरत की क्या करामत है। देखो यार, पानी के अंदर ऊपर तैर रहे। और ये बत्तखों के अंदर बहुत एक अच्छी बात, खास बात वो होती है कि इसके अंदर एकता का जूत बहुत अच्छा होता है, एकता बहुत होती है। अब देख सकते हो फार्म के अंदर, हमारे फार्म के अंदर मुर्गी, मुर्गा, कबूतर से लेकर हर एक पक्षी हमने रखा है फार्म के अंदर। ये बत्तख जो होती है फार्म के अंदर जीव जंतु होता है, उसको खा जाती है फार्म के अंदर। फार्म को सफाई रखने के अंदर जो जीव जंतु होती है उसको खाती है, तो उससे सफाई भी रहती है फार्म के अंदर। कीट भी खा जाती है ये, और पानी की रानी कीने जाती है ये बत्तख को भी। अब देख रहे हो बत्तखों को किसी तैरती है, ऊपर है, तकरीबन 2 फुट तक का पानी भरा हुआ है इसके अंदर। और अब ये थोड़ी घंटा 2 घंटा नहाएगी तो पूरी वाइट हो जाएगी। ये मिट्टी में लोट लोट कर इनका कलर ऊपर से खराब हुई है। देख रहे हो फार्म के अंदर आप देख सकते हो, थोड़ी देर पहले जब वीडियो स्टार्ट हुआ था जब बतख कैसे थे, अभी देखो वाइट होते जाते हैं। एक कुदरती है, देखो अपने आप कितने साफ करते, कितने समझदार है, और फूल एंजॉय करते हैं पानी के अंदर। और बतखों को ज़्यादातर पानी में ही अच्छा लगता है, पानी में रहना। देख सकते हो कितनी अच्छी तरह से नहाते, वाह बहुत खुश अभी ये बतख। अरे भैया घोड़ी नहलाते हैं, नुकरी देख सकते हो फार्म में, फार्म का नज़ारा पूरा, पूरा फार्म का नज़ारा देख सकते हो। हमारे फार्म में हम साफ सफाई को पहले ध्यान देते हैं पूरे फार्म के अंदर। देख सकते हो फार्म में हमारे कबूतर को आपको मैंने पहले भी वीडियो के अंदर दिखाए हैं, और अभी भी आप देख सकते हो। रूपल स्टार्ट फार्म यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए। सब्सक्राइबर इसीलिए कीजिए ताकि आने वाला हर एक घोड़ी घोड़े का वीडियो आप तक पहुंचेगा, हर एक घोड़ी घोड़े के बारे में इन्फॉर्मेशन कुछ सीख सकते हो, कुछ नॉलेज आप ले सकते हो रूपल स्टार्ट फार्म में से। ये सब ने सब चारा, घास चारा भरा हुआ है घोड़ों को खाने के लिए। और अब ये दूसरी बत्तख है जो इंडे पे बैठी है, और ये बाजू में जो मुर्गी देख रहे हो, पता नहीं क्यों कुदरती मुर्गी भी अंडे पे बैठना चाहती है, पर इसकी असली हकदार ये बतख है, इसलिए बतख इसके पास निगरानी कर कर बैठती है सबसे हट के अलग से। और ये मुर्गी पूरा दिन ये अंडों के पास पास बैठने के लिए करती है। देखो मैं जैसे पास आया वीडियो बनाने के लिए ये बतख बैठ गई, और अब इसका रिएक्ट क्या है वो आप देख सकते हो। अब देख रहे हो कितनी संभालती अपना अंडा ये। ओके, थैंक यू।